छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में सियासी दल मिशन 2023 की तैयारियों में तेजी से जुटे नजर आ रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सभी विधायकों से वन टू वन चर्चा की। इस चर्चा में क्या रहा खास और कैसे बड़ी विधायकों की धड़कन, देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहा है। यूं तो कांग्रेस के पास 71 विधायकों का बहुमत है, पर सत्ता में वापसी की राह में विधायकों के कमजोर परफॉर्मेंस को रूढ़ा माना जा रहा है। यही वजह है कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा ने पहले तो जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली, इसके बाद सीधे विधायकों के कामकाज पर फोकस किया। शनिवार को उन्होंने 7 घंटे से ज्यादा देर तक विधायकों से वन टू वन मैराथन चर्चा की। इस दौरान विधायकों के कामकाज का हाल तो जाना ही, अब तक की उपलब्धियां और आगे का रोड मैप भी पूछा है। इस दौरान विधायकों का दर्द भी सामने आया। कई विधायकों ने दबी जुबान में काम नहीं होने की बात कही। वही संगठन के साथ समन्वय को लेकर भी प्रदेश प्रभारी के सामने कुछ विधायक फूट पड़े। हालांकि कुमारी शैलजा ने विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करने से इनकार किया है। विधायकों की नाराजगी को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा, सभी की अपेक्षाएं होती है और अपनी अपेक्षाओं के आधार पर वो अपनी राय रख सकते हैं। 100% काम नहीं, भगवान भी आपके, अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ये लेने जा रहे हैं कि क्योंकि आपके सारी बातें पूरी नहीं हुई हैं, तो सारे काम पूरा होना इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं कह सकती हूँ सभी लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और हमारी सरकार के जो कार्य हैं उनसे बहुत लोगों में जो एक अच्छा वातावरण बना है कांग्रेस पार्टी की सरकार का, बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक बहुत ही अच्छा माहौल स्टेट में है। अपेक्षाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ सरकार और आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार से किसी को कोई शिकायत नहीं, और जो उम्मीदें हो सकती हैं उसके बारे में अपनी राय कोई रख सकता है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की बैठक में अधिवेशन की तैयारियों पर तो चर्चा हुई है, विधायकों की परफॉर्मेंस पर प्रदेश प्रभारी की सीधी निगाहों ने उनकी धड़कने जरूर बढ़ा दी है। इससे पहले सीएम भी विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर बड़ा संकेत दे चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनावी साल में विधायक अपने परफॉर्मेंस को कितना सुधारते हैं और कितने विधायकों को खराब परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट से हाथ धोना पड़ता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए कैमरामैन भूपेन के साथ गौरव शर्मा की रिपोर्ट।